सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बिक्री को लेकर दिल्ली के कारोबारियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि दिल्ली NCR में रात 11 बजे के बाद पटाखा जलाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक ही पटाखा फोड़ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पटाखा की बिक्री पर बैन लगाया है, लेकिन फोड़ने पर नहीं। इस दौरान जब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने BJP के बयान को उठाया तो जस्टिन शिकरी ने कहा कि यह राजनीति न करें, यहाँ राजनीति न करें। उन्होंने कहा, मैं भी निजी जीवन में काफी स्पिरिटिकल हूँ, लेकिन कोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमको पता है कि यह पटाखा मुक्त दिवाली नहीं होगा, लेकिन हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमको पता है कि अब भी पटाखे की बिक्री जारी है, हमने मीडिया में देखा है। वहीं से बातचीत के दौरान पटाखा कारोबारियों ने कहा कि हमने लाइसेंस लेने के बाद पटाखों में लाखों रुपए का निवेश किया है और अब कोर्ट बिक्री की इजाजत देने से इनकार कर रहा है। उधर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश के बाद अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सिर्फ 3 घंटे ही पटाखा जलाने की अनुमति होगी। इन राज्यों में PCR वैन इस बात की जांच करेगा कि कोई निर्धारित समय के बाद पटाखा न जलाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सिर्फ लॉटरी की प्रक्रिया से पटाखों को बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा, साथ ही इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। मालूम हो कि दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की यह सख्ती सामने आई है। 2 दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखों को फैलने वाले प्रदूषण पर संज्ञान लिखा था। इसके बाद हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता को कोर्ट मित्र नियुक्त किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को शनिवार जवाब दायर कर पटाखों को लाइसेंस बारे जानकारी देने को कहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तेजी से बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जाहिर की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली समेत पूरे NCR और बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिहायशी इलाके में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बिक्री को लेकर कारोबारियों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि वह अपने फैसले पर तनिक भी फेरबदल नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।